फ्रेंड गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, तो देखिए मैंने कैसे अपना लोअर बेली फैट कम किया है और आप देख सकते हैं मेरे बिल्कुल सेप बन चुकी है फिगर की। और बस इन्हीं तीन एक्सरसाइज से मैंने अपना लोअर बेली फैट कम किया है, जो हमारा नाभि के नीचे का हिस्सा होता है ना फ्रेंड, तो वहाँ छोटा सा एक टमी, छोटा सा एक टुकड़ा रह जाता है जो हमारा नहीं अंदर जाता है। तो मैंने बस ये एक्सरसाइज करके और पूरा अपना जो लोअर बेली फैट होता है वो बिल्कुल कम कर दिया है। तो ये मेरी रिक्वेस्टेड वीडियो है फ्रेंड, किसी ने मुझे रिक्वेस्ट किया था कि आप लोअर बेली फैट का लेके आइए और यहाँ पे 30-30 के सेट आपको डेली करने हैं फ्रेंड। और उसके बाद मैं आ गई हूँ अपना हॉट वाटर पीने के लिए, क्योंकि फ्रेंड एक्सरसाइज के बाद हॉट वाटर जो हमारी बॉडी को, जो हमारी बॉडी का फैट होता है उसको रिड्यूस करने में बहुत बड़ी हमारी हेल्प करता है। तो एक्सरसाइज के बाद फ्रेंड हॉट वाटर ज़रूर लें, ये आपकी बहुत ही बड़ी हेल्प होगी फ्रेंड वेट लॉस में। हाँ फ्रेंड्स, मैं ले आई हूँ अपना हॉट वाटर और पी लेती हूँ पहले इसको सिप सिप करके और फिर मिलती हूँ आपसे। तो उसके बाद फ्रेंड्स मैं आ गई थी अपना हेल्दी सा यम्मी सा ब्रेकफास्ट बनाने के लिए। तो मैंने यहाँ पे बस हल्का सा डाला है देसी घी, उसमें डाला है जीरा और एक पिंच हींग, क्योंकि जीरा और हींग हमारे पेट के लिए बहुत ही अच्छी होती है। और यहाँ देखिए मैंने लिया वेजिटेबल, तो यहाँ फ्रेंड्स मैंने टमाटर लिए हैं, एक हरी मिर्च ली है क्योंकि मैं इसमें लाल मिर्च ऐड नहीं करूँगी, और ये हरी मिर्च तीखी भी नहीं है ज़्यादा, क्योंकि मोटी वाली हरी मिर्च है, मोटी वाली हरी मिर्च तीखी नहीं होती, बच्चे भी आराम से खा लेते हैं। और फिर बस ऐड कर दिया इसमें सॉल्ट और हल्का सा हल्दी पाउडर। तो बस इसको 1 से 2 मिनट के लिए मैं अच्छे से भून लूँगी फ्रेंड, और उसके बाद मैं इसमें ऐड कर दूँगी अपनी वेजिटेबल वगैरह। तो वेजिटेबल को भी हल्का सा सौदे कर लेंगे अपने मसाले के साथ में फ्रेंड्स। और उसके बाद मैं इसमें डालूँगी अपनी मूंग की दाल, क्योंकि फ्रेंड्स मैं मूंग की दाल और दलिया दोनों मिक्स करके बना रही हूँ, क्योंकि दालें हमारे इस बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होती है, इनमें भरपूर मात्रा में प्रोटीन होता है। और दलिया में फ्रेंड्स आपको पता है दलिया हमारे लिए कितना हेल्दी है, बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है ये फ्रेंड्स। तो आपके वेट लॉस के लिए भी और आपकी बॉडी के लिए, बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा फिट है फ्रेंड्स ये। आप अपनी दिनचर्या में या हफ्ते में 2 से 3 बार ज़रूर खाएंगे। और इसमें आप कुछ भी वेजिटेबल डाल सकते हैं, तो जो मेरे पास अवेलेबल था वो मैंने डाल दिया, पालक वगैरह का भी यूज़ कर। यहाँ फ्रेंड्स देखिए मेरा हो गया ब्रेकफास्ट रेडी। तो आज बनाया है नमकीन दलिया और बहुत ही ज़्यादा वेजिटेबल डाल के मैंने बनाया है, बहुत ही हेल्दी है। और मूंग की दाल भी मैंने इसमें ऐड करी है, तो आप सबको पता है दालें तो हमारे लिए बहुत ही हेल्दी होती है। और यहाँ मैंने फ्रेंड्स बच्चों को भी दे दिया है। तो चलिए फिर फ्रेंड्स कर लेते हैं अपना ब्रेकफास्ट हेल्दी सा। यह है ब्रेकफास्ट और बहुत ही हेल्दी सा यम्मी सा मेरा ब्रेकफास्ट था आज का, और बच्चों ने भी खा लिया, बच्चों को भी बहुत ही अच्छा लगा। तो अब मैं बनाऊंगी अपना लंच, और लंच में मैं बनाने वाली आज बहुत ही ज़्यादा हेल्दी सी वेजिटेबल अपनी। तो चलिए आपके साथ शेयर करूंगी फ्रेंड्स मैं कि मैं क्या बना रही हूँ। और एक एक करके सारे सूट मेरे को इतने ज़्यादा लूज होते जा रहे हैं, ये देख रहे हैं क्या? तो ये देखिए सूट भी मेरा कितना लूज हो चुका है, यहाँ से भी ये चीज़ देखो इतना ज़्यादा लूज हो गया है, और यहाँ से भी देखो और हिप से भी पूरा साइके करके सारे सूट मेरे को इतने लूज हो रहे हैं, इतने ज़्यादा कि मैं क्या बताऊँ। और फिटिंग करूँ तो देखिए पूरा फिगर आप देख सकते हैं कि कितने अच्छे से शेप बन के आती है मेरे पूरे फिगर की। ओह माय गॉड, तो सच में कमाल हो गया है। और फ्रेंड्स चलिए तो मैं करती हूँ अपना लंच रेडी, क्या बनाती हूँ और आप भी ज़रूर ट्राई करिए 32 बार का फॉर्मूला। आप मुझे देख सकते हैं मैं कितनी स्लिम और फिट हो चुकी हूँ अभी के लिए। तो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर में। तो उसके बाद फ्रेंड्स मैं आ गई थी अपना हेल्दी सा लंच बनाने के लिए। और आज ना फ्रेंड लंच मैंने थोड़ा जल्दी बना दिया था, क्योंकि मेरे हस्बैंड है वो मतलब कि आउट ऑफ स्टेशन जा रहे थे, तो इसलिए मैंने जल्दी से बनाया था। और यहाँ फ्रेंड मैंने ली थी एक रोटी और उसमें मिला दी थी अपनी तोरी की सब्जी। तो अगर आप ऐसे खाओगे ना, तो आपका जहाँ 2 रोटी में पेट भरता है ना, तो इससे आराम से 1 रोटी में पेट भरेगा, और ओवर ईटिंग भी नहीं होगी ज़्यादा आपको, और ना ही हैवी हैवी महसूस होगा। क्योंकि क्या होता है फ्रेंड्स, बोलते हैं कि काफ़ी कमेंट आते हैं कि हमारा भाई नहीं, हम ज़्यादा रोटी खाते हैं, 1 रोटी में नहीं पेट भरता है तो 2 खा लेते हैं। तो ऐसा नहीं है कि अगर आपका 1 रोटी में पेट भर जाएगा, इससे आप ट्राई करके ज़रूर देखना, क्योंकि फ्रेंड मैंने महसूस किया है। और उसके बाद फ्रेंड्स
तो अभी फ्रेंड्स मेरा लंच वगैरह हो चुका है और मैं ब्रिजासन में बैठ गई थी। तो आपने देखा होगा फ्रेंड्स, अगर आप वॉक नहीं कर सकते हैं तो आप इस आसन में बैठोगे तो भी आपका वेट लॉस होगा और आपका खाना अच्छे से डाइजेस्ट हो जाएगा फ्रेंड। बट खाने के बाद सोए ना कुछ वर्क ज़रूर करें, लेट लेना, क्योंकि जितनी आपकी चर्बी घट रही होगी ना उससे ज़्यादा आपकी बढ़ जाएगी अगर आप खाते ही लेटोगे। तो इसलिए ये गलती ना करें बिल्कुल भी, और पंखा बंद करके एक्सरसाइज करें फ्रेंड। जब भी कुछ भी वर्क करें पंखा बंद करके ही करें। तो आप देख सकते हैं कि मुझे इतने पसीने आ रहे क्योंकि मैं खाना खाने के बाद जब ब्रिजासन में बैठी थी तो मैंने पंखा बंद करके ही बैठी थी मैं, क्योंकि हमारी बॉडी से पसीने आने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं जब भी हमारा वेट लॉस होता है फ्रेंड। तो अभी फ्रेंड बस मैं करूँगी थोड़ी सी, बच्चों को पढ़ाऊँगी क्योंकि बच्चों की अभी छुट्टी पड़ रही है, आपने देखा होगा समर वोकेशन चल रहे हैं तो पढ़ाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और उनको हॉलीडे होमवर्क मिला है तो वो भी मुझे कराना पड़ता है। तो चलिए मैं मिलती हूँ आपसे इवनिंग टाइम पे। तो अभी फ्रेंड्स इवनिंग का टाइम है और मैं ले आई हूँ अपने लिए हॉट वाटर। तो इवनिंग में हॉट वाटर ज़रूर पीती हूँ, कम से कम पूरे दिन भर में मैं 3 से 4 बार हॉट वाटर ज़रूर पीती हूँ, क्योंकि वेट लॉस के लिए और पेट की बीमारियों से भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है फ्रेंड, बहुत ज़्यादा हमें बचाता है। तो ज़रूरी नहीं है कि आप वेट लॉस के लिए ही करें, आप नॉर्मल भी हैं तब भी आप ये गर्म पानी ज़रूर पिए, इसका सेवन ज़रूर करें अपनी दिनचर्या में। तो फ्रेंड मैं एटलीस्ट पूरे दिन में 3 से 4 बार ज़रूर पीती हूँ। और उसके बाद ना फ्रेंड्स हम आ गए थे अपनी इवनिंग वॉक के लिए, और इवनिंग वॉक के लिए तो सोचा कि यहाँ पे मैं आपको ना मंदिर भी दिखाऊंगी, तो हमारी सोसाइटी में बन रहा है मंदिर, तो मैंने सोचा इवनिंग की वॉक भी हो जाएगी और हम मंदिर भी घूम ही आएंगे, क्योंकि यहाँ पे जो नंदी जी है ना उनको लेके आ गई थी और बट मैं अभी तक नहीं गई थी। तो मेरी फ्रेंड है और हमारे पड़ोस में आंटी रहती है तो उनको भी ले गई थी मैं साथ में। और उसके बाद फ्रेंड बस मैं घर आ गई थी, घर आके मैं बनाने लगी थी अपना हेल्दी सा आज का डिनर। तो डिनर में फ्रेंड मैं बना रही थी पनीर की भुजी और बहुत ही अच्छी लगती है बच्चों को भी, और पनीर में प्रोटीन होता है भरपूर मात्रा में आपको पता ही, और हमारी जो भूख होती है उसको भी कम करता है ये। तो जिनको भी ज़्यादा भूख लगती है तो प्लीज़ पनीर का सेवन ज़रूर करें, और आप कच्चा पनीर भी ले सकते हैं अपनी अपनी मतलब की डाइट में फ्रेंड, और रात को खाने में ले सकते हैं कच्चा पनीर, उसमें आप जीरा वगैरह मिला सकते हैं बट नमक का उपयोग ना करें फ्रेंड्स। तो अगर ऐसे ही खाओगे कच्चा पनीर तो ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो यहाँ मेरी लग गई थी रात की थाली डिनर की, तो बस 32 बार के फॉर्मूले से मैं खा लूँगी अपना हल्का अपना डिनर, और साथ में तोरी की सब्जी ली थी क्योंकि तोरी की सब्जी बच गई थी दोपहर को, और यहाँ ना बच्चे भी अपना खा रहे थे। और उसके बाद बस फ्रेंड मैं आ गई थी डॉगी को खाना देने के लिए, तो आज पता नहीं सारे डॉगी नहीं थे, एक दो ही थे बस। तो उसके बाद मैं करने लगी थी यहाँ पे वॉक, और अगर फ्रेंड्स आप एक्सरसाइज नहीं कर सकते हैं तो आप वॉक करें खाना खाने के बाद ज़रूर करें। और उसके बाद बस मैं आ गई थी अपना हॉट वाटर के लिए। तो नाइट में आप जब भी सोने जाएंगे बेड पे जाते हैं तो अपना पहले फ्रेश होने जाएं टॉयलेट वगैरह करके, और उसके बाद आप पिए कम से कम 2 गिलास पानी पिए तो ज़्यादा अच्छा है, बट मैं यहाँ पे 1 ही गिलास ले रही थी, और उसके बाद आप सोएं, आपको फ्रेश नहीं होना है। आप जब सुबह उठोगे या कम से कम 4-5 बजे आप उठते हो मॉर्निंग में तो आप उसके बेनिफिट आपको खुद ही पता चल जाएंगे। हाँ फ्रेंड्स मैं ले आई हूँ अपने लिए गर्म पानी, और बैठ के पानी पीने के क्या फ़ायदे हैं फ्रेंड्स, तो बैठ के पानी पीने से क्या होता है, जो हमारे घुटनों की ग्रीस वगैरह होते हैं, जो हमारे जोड़ होते हैं वो दर्द नहीं करते हैं, और हमारे घुटनों की जो ग्रीस होती है वो कम नहीं होती है। तो फ्रेंड बस गर्म पानी पी लेती हूँ, गर्म पानी रात को ज़रूर पी के सोएं फ्रेंड, पहले वॉशरूम जाएँ फ्रेश होएँ और उसके बाद ही आप गर्म पानी पिए, ताकि आप उसके बाद बस डायरेक्ट लेटें, क्योंकि जब भी बेनिफिट होते हैं उसके। मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करके जाना, और छोटी छोटी टिप्स छोटी छोटी बातें मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ फ्रेंड्स। अगर उन छोटी बातों और उन छोटी टिप्स को आप अपनाओगे तो आपका बहुत ही जल्दी वेट लॉस होगा। आप तो देख सकते हैं कि मेरा कितना वेट लॉस हो चुका है, पहले से बहुत ही ज़्यादा और बहुत ही स्लिम मैं हो चुकी हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स मिलती हूँ ऐसे एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड गुड नाइट।